देखिए, और बाकी सब वही। और बच्चा का एक बात ध्यान देंगे, जो शिशु रहेगा उसको जो ऑक्सीजन देंगे मातृ और सांस देंगे, तो ये नहीं कि सांस पूरा भरेगा, ऊपर से पफ देंगे। क्या देंगे? पफ देंगे, ठीक है, पफ। ऐसे करके उसको ऑक्सीजन देंगे। देखिए सर कैसे करके बता रहे हैं। हम लोग सीखे अभी कि पहले व्यस्क को कैसे सीख दिया करते हैं, उसके बाद बच्चे को कैसे देते हैं, अब हम सीखेंगे कि शिशु को कैसे देते हैं। तो व्यस्क को कितने हाथ से देते सीख दिया? दोनों दोनों हाथ से, हाथ से। और उसके बाद बच्चे को एक हाथ से, एक हाथ से, और शिशु को हम दो दो उंगली उंगली से। हमारा ये मिडिल फिंगर ये है ना, यस सर। और रिंग फिंगर, ये दोनों की मदद से हम शिशु को सीपीआर देते हैं, क्योंकि इसका रिप्स जो है बहुत ही कमजोर होता है। अगर हम जोर से दबा देंगे तो हो सकता है कि पूरा रिप्स टूट जाए, इसलिए हम सिर्फ दो उंगली से देते हैं। ठीक है, यस सर। ये दोनों उंगली इसलिए लगाते हैं क्योंकि ये लगभग बराबर होता है, ठीक है। तो अगर इस दोनों उंगली से हम दबा रहे हैं तो दोनों मतलब दोनों जगह बराबर दबेगा, ठीक है। वो फिगर गलत करा दिया। सारा चीज इसमें, और एक चीज ध्यान दीजिए कि पेडल पे कौन सा पल्स चेक कर रहे थे, कैरोटिड पल्स, जी सर। चाइल्ड में भी कैरोटिड पल्स, लेकिन इनफैक्ट में हम ब्रैकियल पल्स चेक करेंगे। ब्रैकियल पल्स कहाँ होता है? लड़का, तो हम शिशु का ये वाला पल्स चेक करेंगे। चेक करेंगे, अगर नहीं मिल रहा है तो फिर वही काम करेंगे, एम्बुलेंस को कॉल करना है, समझ रहे हैं। और जो यहाँ पे थप्पी लगा रहे थे शिशु में नहीं लगाया गया, इसके हाथ और पैर में इस तरह गुदगुदी करेंगे, ठीक है, गुदगुदी करेंगे। अगर ये होश में रहेगा तो थोड़ा रिस्पॉन्स देगा, ठीक है। यस सर। और दबाने का इसका ये तरीका, देखिए हम बताए थे कि एडल्ट में इस तरह स्टर्नम को टटोलते हुए नीचे तक आना है, जहां लास्ट हड्डी होती है वहां एक उंगली लगाना है, लेकिन हम शिशु में ऐसा नहीं करेंगे, क्योंकि शिशु का हमें पता नहीं चलता है, बहुत ही वो छोटा होता है और वो उतना अच्छे से डेवलप नहीं करता है। तो हम शिशु में दूसरा तरीका अपनाते हैं। दूसरा तरीका क्या अपनाएंगे, ये जो निप्पल होता है ना, निप्पल, ये दोनों के बीच एक काल्पनिक रेखा खींचेंगे इस तरह, और बीच से एक रेखा खींचेंगे, ठीक है। देखिए जो निप्पल होता है दोनों, उसके बीच से एक काल्पनिक रेखा खींचेंगे इस तरह, और बीच से इस तरह लाइन खींचेंगे, ठीक है। जहां ये कट रही है यस वहीं सर पे हम प्रेस करेंगे, प्रेस करेंगे, ठीक है। यस सर। दबाने का तरीका ये, दो मिनट से इस तरह रखेंगे। यस सर। अगर हाथ में लेकर देना है तो इस तरह पकड़ के दीजिए, नहीं तो कोई हार्ड सरफेस है उस पे भी इस तरह रख के आप दे सकते हैं। दो मिनट इस तरह लगाना है, उसके बाद 30 बार दबाना है, ठीक है। यस सर। 30 बार दबाना है और 2 बार सांस लेना है। सांस कौन सा देंगे? पफ वाला सांस देंगे, जैसे हम चाय पीते हैं ना, बस वैसे ही हम इसको सांस देंगे। और सांस देने के समय हम ध्यान रखेंगे इसका नाक और मुंह हमारे मुंह में आ जाना है, ठीक है। नाक और मुंह दोनों सर। अरे बच्चा का जो नाक मुंह का बना बहुत छोटा होता है, अगर मुंह ऐसे आप करेंगे तो मुंह कहाँ जाएगा, नाक मुंह में चलेगा आराम से, ठीक है।
है ना, तो इसका नाक और मुंह अपने मुंह में लीजिए और एक बार जैसे चाय पीते हैं वैसे फूंक दीजिए दो बार, ठीक है, एक बार फूंकिए फिर सांस लीजिए फिर उसको फूंक दीजिए, तीस बार दबाना है दो बार सांस लेना है। बैठ जाइए, पीछे बैठ जाइए। यहाँ तक किसी को दिक्कत